हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे RBSC की संस्कृत की बुक रंजनी का थर्ड चैप्टर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। तो जो ये चैप्टर है इसमें स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है, और जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं उसके पीछे क्या आता है, आ आता है। आकारांत मतलब जिसके पीछे, जिसके अंत में आ आया है। तो आइए देखते हैं ये शब्द कौन से हैं। दुर्गा, दुर्गा का मतलब होता है दुर्गा, तो यहाँ पर देवी बनी हुई है, तो यहाँ पर किसके लिए आया है दुर्गा, जो देवी है। तो दुर्गा का मतलब हुआ दुर्गा। छात्रा, छात्रा का मतलब शिष्या। अध्यापिका, अध्यापिका मतलब जो फीमेल टीचर होती हैं, अध्यापिका। वृद्धा, बुढ़िया। बालिका, बालिका। पाठशाला, विद्यालय। घटिका, घड़ी। पाकशाला, रसोई घर। अग्निपेटिका, माचिस। माला, तो माला का क्या होगा हिंदी मीनिंग, माला। दिनदर्शिका, दिनदर्शिका कैलेंडर। शाटिका, साड़ी। पादरक्षा, चप्पल। मक्षिका, मक्खी। पिपीलिका, पिपीलिका माने चींटी। चटका, चिड़िया। अजा, बकरी। मापिका, तो मापिका किसको कहते हैं, जो स्केल होता है, पैमाना। तुला, तराजू। नौका, नाव। लता, लता। गौशाला, गौशाला जहाँ पर गाय रखी जाती है तो इसको हम कहेंगे गौशाला। द्राक्षा, द्राक्षा मतलब अंगूर। बीड़ा, बीड़ा। उत्पीठिका, मेज। स्थालिका, थाली। जवनिका, पर्दा। कुंजिका, कुंजी मतलब जो की होती है। स्वित्वर्तिका, मोमबत्ती। द्विचक्रिका मतलब साइकिल। आगे जो शब्द दिए गए हैं उसमें वचनों का प्रयोग किया गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन स्त्रीलिंग के। तो आपने देखा था जो पुल्लिंग के होते हैं उसमें बनता था बालकहा, बालकहू, बालकहा। इसमें बनेगा बालका, बालके, बालका। एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालके और बहुवचन में बालिका। ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो बालिका माने होता है एक बालिका, बालके माने दो बालिकाएँ, और बालिका माने बहुत सी बालिकाएँ। अजा, अजा माने एक बकरी। अजय, अजय माने दो बकरियाँ। अजहा माने बहुत सी बकरियाँ। चटकहा माने चिड़िया, एक चिड़िया। चटके माने दो चिड़िया, और चटकहा माने बहुत सी चिड़ियाँ। पिपील कहा माने एक चींटी। पिपील के माने दो चींटी। पिपील कहा माने बहुत सी चींटी। द्विचक्र कहा माने एक साइकिल। द्विचक्र के माने दो साइकिल, और द्विचक्र कहा माने बहुत सी साइकिल। इसके बाद जो दिया गया है आपका वो है क्रिया प्रयोग, मतलब जो क्रियाएं हैं उनका प्रयोग दिखाया गया है कैसे करते हैं। तो यहाँ पर धातु रूप और शब्द रूप साथ साथ चले हैं। तो जो बालिका है वो शब्द है, और जो खेलती है वो क्या है, क्रिया है, धातु रूप है। तो बालिका खेलती, बालिका खेलती है। बालिके खेलता, दो बालिकाएं खेलती हैं। बालिका खेलंती, बहुत सी बालिकाएं खेलती हैं। अजा पिबती, बकरी पीती है। अजय पिबता, दो बकरियां पीती हैं। अजहा पिबंती, बहुत सी बकरियां पीती हैं। छात्रा नमती, छात्रा शिष्या नमस्कार करती है। छात्रे नमता, दो शिष्याएं नमस्कार करती हैं। छात्रा नमंती, बहुत सी छात्राएँ या शिष्याएं नमस्कार करती हैं। महिला पचती, महिला पकाती है। महिले पचता, दो महिलाएं पकाती हैं। महिला पचंती, बहुत सी महिलाएं पकाती हैं। चटका कूजती, एक चिड़िया कूकती है। चटके कूजता, दो चिड़ियां कूकती हैं। चटका कूजंती, बहुत सी चिड़ियां कूकती हैं। गायका गायती, गायिका गाती है। गायके गायता, दो गायिकाएं गाती हैं। गायिका गायंती, बहुत सी गायिकाएं गाती हैं। वृद्धा बदती, वृद्धा बोलती है। वृद्धे बदता, दो वृद्धाएं बोलती हैं। वृद्धा बदंती, बहुत सी वृद्धाएं बोलती हैं। शिक्षिका लिखती, शिक्षिका लिखती है। शिक्षके लिखता, दो शिक्षिकाएं लिखती हैं। शिक्षिका लिखंती, बहुत सी शिक्षिकाएं लिखती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, और इस चैप्टर में जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनका प्रयोग बताया गया है, और बताया गया है कि जो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं उनके
जो रूप होते हैं वो किस तरह चलते हैं। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।